हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेसन। सो इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर यूनिट नंबर 6 थ्योरी पोर्शन ऑफ पीपीबी। द टॉपिक इज द सब्जेक्ट मैटर इज ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ हैंडलिंग क्लियरिंग कलेक्शन ऑफ कैन कैश। तो दोस्तों, हम लोग समझेंगे कि हैंडलिंग क्लियरिंग कलेक्शन चेक का कैश का कैसे होता है, इसके ऑपरेशनल एस्पेक्ट को समझेंगे। लेसन को शुरुआत करने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हमें समझना है। सबसे पहले हम लोग CTS समझेंगे। CTS क्या होता है? चेक ट्रंकेशन सिस्टम। CTS की कंसेप्ट, CTS की कैरेक्टरिस्टिक्स, CTS की बेनिफिट, अप्रोचेस क्या है CTS की, CTS के प्रोसेस फ्लो, CTS में दोस्तों बैंक और कस्टमर के लिए क्या डिफरेंस है, CTS का चेक इमेज, CTS का पॉजिटिव पे सिस्टम, RBI की क्या गाइडलाइंस है इंस्ट्रूमेंट के कलेक्शन के लिए, और कैसे हम लोग चेक कलेक्शन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं, कैसे हम अकाउंट पे चेक को कलेक्ट करते हैं, फिर कैसे हम लोग चेक का पेमेंट करेंगे, ड्राफ्ट पेमेंट करेंगे, पे ऑर्डर पेमेंट करेंगे, बैंकर चेक का पेमेंट करेंगे, चेक या इंस्ट्रूमेंट यदि ट्रांजिट में लॉस हो जाए, क्लियरिंग प्रोसेस में लॉस हो जाए तो उससे रिलेटेड क्या नियम है, बिल को कैसे कलेक्ट किया जाएगा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर, मान लीजिए कि बिल के कलेक्शन में डिले हो गया तो इंटरेस्ट पेमेंट कैसे होगा, कैश क्या होता है, इसका कस्टडी क्या होता है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट क्या है ब्रांचेज और ATM में, ये सभी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनको मैं अपने टारगेट JIB 2023 प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूँ। बेसिकली एक पेड कोर्स प्रोग्राम है जो कि एज़ पर न्यू सिलेबस हमने लॉन्च किया है। इसके अंदर हम लोग 4 सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं जो कि हमारा RBWM, IEFS, PPB और अकाउंटिंग है। आपको इसके अंदर यूनिट वाइज थ्योरी वीडियोज़, यूनिट वाइज थ्योरी PDF, यूनिट वाइज MCQ वीडियोज़, यूनिट वाइज MCQ PDF मिलेगा। हमारे पास 2 प्लान अवेलेबल है, वीडियोज़ और PDF ₹500 और PDF ₹200। जो लोग इच्छुक हैं वो मुझे यदि इस प्लान में आप इनरोल होना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को। दोस्तों, कुछ बैंक ऐसे हैं जिन्होंने कुछ प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया है जो कि दोस्तों कस्टमर को परमिट करता है कि काउंटर पे कैश नहीं डिपॉजिट करें, केवल ATM पे ही कैश डिपॉजिट करें। ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें पैसा आप केवल ATM पे ही डिपॉजिट कर सकते हैं, काउंटर पे नहीं कर सकते हैं। ऐसा रेस्ट्रिक्शन दोस्तों, जो हमारा बेसिक फंक्शन, बैंक का बेसिक फंक्शन है ना कि कैश को डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, उसको कर्टेल कर रहा है। दोस्तों, पास्ट में भी देखा गया है कि क्लियरिंग हाउस लोकल लेवल पे ऑपरेट होते थे जो कि RBI मैनेज करती थी, SBI मैनेज करती थी, या कोई बैंक जो कि RBI के द्वारा नॉमिनेट की जाती थी वो मैनेज करती थी। दोस्तों, ये जितने भी मेंबर्स बैंक हुआ करते थे उनके अकाउंट का मेंटेन करना वो कहाँ होता था, नोडल ब्रांच पे होता था। ठीक है, जो बैंक क्लियरिंग हाउस को मैनेज कर रही है उनका जो नोडल ब्रांच है वो क्या करती थी, वहाँ पे सभी मेंबर्स बैंक के अकाउंट मेंटेन था। दोस्तों, बात को समझिए, क्लियरिंग हाउस कौन ऑपरेट किया, क्लियरिंग हाउस ऑपरेट मैनेज करता था RBI, यानी तो SBI, यानी तो RBI जिस भी बैंक को अपॉइंट करेगी वो क्लियरिंग हाउस ऑपरेट करेगा। अब वो जो क्लियरिंग हाउस है, जो भी बैंक मैनेज करेगी उसका जो नोडल ब्रांच होगा, मान लीजिए SBI मैनेज कर रही है तो SBI का अपना नोडल ब्रांच होगा, तो SBI का जो नोडल ब्रांच है वहाँ पे जितने भी मेंबर्स बैंक है, ऑब्वियसली बात है उस क्लियरिंग हाउस के बहुत सारे मेंबर्स बैंक होंगे, तो सभी मेंबर्स बैंक का अकाउंट उस SBI के उस नोडल ब्रांच में होगा। ये पॉइंट कहना चाह रहा हूँ। तो क्लियरिंग हाउस ऑपरेट कौन करता है दोस्तों, ऑपरेट किया जाता है RBI के द्वारा लोकल लेवल पे, यानी तो RBI एक बैंक को अपॉइंट करती है कि आप मैनेज कीजिए। ठीक है, और उस बैंक की अपनी नोडल ब्रांच होगी जो कि क्लियरिंग हाउस होती है, और उसके जो भी मेंबर्स होंगे उनका अकाउंट होगा उस नोडल ब्रांच में। दोस्तों, स्पीड क्लियरिंग CBS को यूटिलाइज करती है। CBS क्या होता है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ये इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि हम इफिशियंसीज को बढ़ा सकें आउट स्टेशन चेक के कलेक्शन में, और दोस्तों चेक के मूवमेंट को अवॉइड कर सके आउट स्टेशन सेंटर्स पे। तो क्या है स्पीड क्लियरिंग कब इंट्रोड्यूस किया गया था, स्पीड क्लियरिंग किस कंसेप्ट को यूटिलाइज करता है, स्पीड क्लियरिंग यूटिलाइज करता है दोस्तों CBS को। CBS क्या होता है, कोड बैंकिंग सॉल्यूशन। क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था स्पीड क्लियरिंग को, ताकि आउट स्टेशन चेक के कलेक्शन की एफिशिएंसीज को बढ़ा सकें और आउट स्टेशन सेंटर पे चेक के मूवमेंट को अवॉइड कर सकें। तो दोस्तों, किसी भी बैंक का एक फ्रंट ऑफिस होता है, एक बैक ऑफिस होता है, एक मिड ऑफिस होता है, 3 तरह का ऑफिस होता है। तो किसी भी बैंक का जो फ्रंट ऑफिस होता है वहाँ पे जो बैंकिंग एक्टिविटीज़ की जाती हैं ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि बहुत सारे ट्रांजैक्शन को हैंडल करें। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि ट्रांजैक्शन को हैंडल करना, कैश को हैंडल करना किस ऑफिस का काम है, फ्रंट ऑफिस का, मिड ऑफिस का या बैक ऑफिस का? तो आपका जवाब होगा कि ये काम है दोस्तों फ्रंट ऑफिस का। तो दोस्तों फ्रंट ऑफिस का काम क्या है कि फ्रंट ऑफिस जो है वैसे बैंकिंग एक्टिविटीज़, फ्रंट ऑफिस में हम लोग लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को डील करते हैं जिसमें कैश और क्लियरिंग दोनों इन्वॉल्व होता है। सो दिस इज़ द वर्क ऑफ आवर फ्रंट ऑफिस।
ओके तो दोस्तों अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार क्विकली रिकॉल कीजिए। मैंने आपको बताया कि आरबीआई के द्वारा अपॉइंट किया हुआ बैंक है जो कि क्लियरिंग को देखता है, उसका अपना क्लियरिंग हाउसेस होते हैं लोकल लेवल पे, और उन सभी उस पार्टिकुलर नोडल ब्रांच होते हैं उस पार्टिकुलर बैंक के जहाँ पे सभी मेंबर्स बैंक का अकाउंट होता है। फिर मैंने आपको स्पीड क्लियरिंग के बारे में बताया। उसके बाद दोस्तों अभी मैंने आपको समझाया कि फ्रंट ऑफिस का काम है कि वो ट्रांजैक्शन को डील करना। बात करते हैं दोस्तों चेक ट्रंकेशन सिस्टम पे यानी CTS की। तो RBI ने CTS को इंट्रोड्यूस किया था, इंटर बैंक क्लियरेंस ऑफ चेक विदाउट देयर फिजिकल मूवमेंट। यानी दोस्तों बिना फिजिकल मूवमेंट किए, चेक को बिना फिजिकली आप मूव किए, आप यदि इंटर बैंक क्लियरेंस कर रहे हैं चेक का, तो उसे इसे कहा जाता है CTS। CTS का फुल फॉर्म है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। यानी इंटर बैंक समझते हैं ना, दो बैंकों के बीच में चेक का क्लियरेंस बिना उस चेक को मूव किए, चेक को नहीं ले जाना है। जैसे एक बैंक है मान लीजिए SBI, एक बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, तो दोनों बैंक के बीच में किसका मूवमेंट हो रहा है, ये दोनों बैंक के बीच में चेक का क्लियरेंस हो रहा है बिना फिजिकली मूव किए, इसे ही कहा जाता है CTS यानी चेक ट्रंकेशन सिस्टम। तो दोस्तों चेक को आप बताइए, चेक को जब मूव नहीं करेंगे तो पेमेंट कैसे करेंगे? तो उसको पेमेंट किया जाता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक इमेज के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? इलेक्ट्रॉनिक इमेज के बेसिस पे। CTS को कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1 फरवरी 2008 से, और अब वो फुल्ली ऑपरेशनल है। CTS को इंट्रोड्यूस किया गया दोस्तों 1 फरवरी 2008 से, एंड नाउ इट इज़ फुल्ली ऑपरेशनल। ओके, सो यू कैन सी इन दिस टाइप ऑफ PDF आई हैव इंट्रोड्यूस ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर एसेंशियल फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों CTS के कंसेप्ट को समझते हैं। CTS बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज होता है। किसका? चेक का। चेक का एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज होता है जो कि पेइंग ब्रांच को ट्रांसमिट किया जाता है। यानी दोस्तों एक होती है हमारी पेइंग ब्रांच, वो ब्रांच होती है जो कि पेमेंट करेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ द चेक इज ट्रांसमिटेड टू द पेइंग ब्रांच थ्रू द क्लियरिंग हाउस। मान लीजिए आपका अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है, आपका अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, और आपके पास जो चेक है वो है किसका, वो आपके पास जो चेक है वो SBI का है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, आपका अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, आपके पास चेक है SBI का, आपको उसका पेमेंट चाहिए, तो आप जाइएगा, ठीक है, SBI आपके जो नियरेस्ट SBI अकाउंट होगी, आप अपने बैंक ऑफ बड़ौदा में जाके वो SBI का चेक जमा कर दीजिएगा। तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा वाले क्या करेंगे कि उस CTS का माध्यम को यूज़ करेंगे, और उस चेक का इमेज, ठीक है, चेक का इमेज बैंक ऑफ बड़ौदा वाले क्या भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे, SBI में भेजेंगे। BOB वाले कहाँ भेजेंगे, SBI में भेजेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ चेक है ना, वो किसे ट्रांसमिट किया जाता है? पेइंग ब्रांच को। यहाँ पे पेइंग ब्रांच कौन है? SBI है, क्योंकि SBI का चेक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया, SBI को उस चेक का इलेक्ट्रॉनिक इमेज भेजा। किसके माध्यम से? क्लियरिंग हाउस के माध्यम से। साथ ही साथ खाली इमेज नहीं भेजा, इमेज के साथ साथ दोस्तों कुछ ज़रूरी जानकारी भी भेजी, जैसे MICR बैंड पे डाटा क्या है, किस तारीख को प्रेजेंट किया गया चेक, प्रेजेंटिंग बैंक कौन है, कौन सी बैंक प्रेजेंट कर रही है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी क्लियरिंग हाउस के माध्यम से ट्रांसमिट किया गया पेइंग ब्रांच को, क्योंकि उसे पेमेंट करना है। ये CTS का कंसेप्ट है। आप करते क्या है कि आपके पास चेक था SBI का, और आपका अकाउंट है BOB में, तो आप BOB में जाके उस चेक को जमा किए, और उसी चेक का इमेज जो है किसे मिला, उसी चेक का इमेज दोस्तों क्लियरिंग हाउस के माध्यम से SBI को मिला। SBI यहाँ पे पेइंग ब्रांच है। साथ ही साथ उसको MICR बैंड, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटिंग बैंक, सारा जानकारी मिला। अब दोस्तों हम लोग बात करें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ CTS की। तो दोस्तों CTS एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज होता है पेपर चेक का। CTS क्या होता है? चेक ट्रंकेशन सिस्टम। दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ, हमारे पास जो पेपर चेक होता है उसका एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज होता है CTS। जो भी बैंक इन्वॉल्व हैं और जो क्लियरिंग हाउस हैं, वो क्या कर सकते हैं, एक चेक को ट्रंकेट कर सकते हैं। अब ट्रंकेट का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप इस चेक का इलेक्ट्रॉनिक इमेज बना रहे हैं, यही होता है चेक। मतलब आपके पास तो पेपर में चेक मिला है, लेकिन आपने क्या किया, उसको इलेक्ट्रॉनिकली इलेक्ट्रॉनिक इमेज बनाया। दिस इज़ कॉल्ड ट्रंकेशन। तो जो भी ड्रॉअर है, जो भी होल्डर है उस चेक का, वो चेक को ट्रंकेट नहीं कर सकता, केवल बैंक ही ट्रंकेट कर सकती है। ऐसा नहीं कि आपको चेक मिला SBI का और आप खुद से ट्रंकेशन करने लगे, नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ओनली बैंक जो कि मेंबर बैंक होती है क्लियरिंग हाउस की, उसे ही एलिजिबिलिटी माना जाता है कि वही उस चेक का इलेक्ट्रॉनिक इमेज बना सकती है, ठीक है। दोस्तों तीसरे पॉइंट ये ध्यान रखिए कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक इमेज बनेगा चेक ट्रंकेशन का, वो फिजिकल चेक को सब्स्टिट्यूट कर लेता है, ठीक है। तो ट्रंकेशन करने के बाद फिजिकल चेक की ज़रूरत नहीं होती है। तो चौथा पॉइंट क्या है कि ट्रंकेशन जो है क्लियरिंग साइकिल के कोर्स के दौरान ही किया जाता है, ताकि जो आपका टाइम टेकन है रियलाइज के लिए वो कम हो सके। दोस्तों ट्रंकेशन जो किया जाता है वो केवल क्लियरिंग साइकिल के दौरान ही किया जाता है, ताकि टाइम को हम लोग कम कर सके। ट्रंकेशन इज डन ओनली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए क्लियरिंग साइकिल टू रिड्यूस द टाइम टेकन फॉर रियलाइजेशन।
जो हमारा पेपर चेक है, जब उसे आप ट्रंकेट कर लेंगे तो उसे बैंक के कस्टडी में रखा जाता है या क्लियरिंग हाउस के कस्टडी में रखा जाता है जिसने चेक को ट्रंकेट किया, ठीक है। तो जो भी पेपर चेक है, जो भी हमारे पास पेपर चेक है, जब आप उसको इलेक्ट्रॉनिक इमेज बना देंगे, वो किसके कस्टडी में रहेगा? बैंक के कस्टडी में रहेगा या क्लियरिंग हाउस की कस्टडी में रहेगा जिसने चेक को ट्रंकेट किया, जिसने चेक का इलेक्ट्रॉनिक इमेज बनाया। ट्रंकेट करने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक इमेज बनाना। जो भी आपका डिजिटल सिग्नेचर है ट्रंकेटिंग बैंक का या क्लियरिंग हाउस का, ठीक है, उसको हम लोग ऐड करते हैं चेक ट्रंकेशन के इलेक्ट्रॉनिक इमेज में। ये ऑप्शनल है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, करना हो तो कर सकते हैं आप, डिजिटल सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये सभी चेक के रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये केवल इलेक्ट्रॉनिक इमेज होता है, जो भी बैंक इन्वॉल्व है वही केवल ट्रंकेट कर सकते हैं, कोई फिजिकल होल्डर या ड्रॉअर नहीं ट्रंकेट कर सकता है। जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज होता है वो फिजिकल चेक को रिप्लेस करता है। ट्रंकेशन क्लियरिंग साइकिल के दौरान ही किया जाता है ताकि टाइम टेकन कम हो सके, कम समय लगे। पेपर चेक को ट्रंकेशन करने के बाद ऐसा नहीं कि फेंक देंगे, उसको बैंक रखेगी अपने कस्टडी में, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं CTS के बेनिफिट की। तो CTS का सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि यहाँ पे फिजिकल मूवमेंट ऑफ चेक का कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा नहीं कि आप बैंक ब्रांच में जो है फिजिकली चेक को मूव करेंगे, तो यहाँ पे कोई फिजिकल मूवमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारा चेक ट्रंकेशन का कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकली मूवमेंट ऑफ चेक। कभी कभी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस होती है जहाँ पे मूवमेंट किया जाता है। बैंक के लिए दोस्तों इसका एडवांटेज क्या है कि सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग है। कॉस्ट सेविंग कैसे है? तो दोस्तों क्लियरिंग लोकेशन फॉर कंसोलिडेशन ऑफ क्लियरिंग लोकेशन इनटू फ्यू ग्रिड रिड्यूसिंग द इन्वेस्टमेंट एंड AMC कॉस्ट ऑन MICR मशीन, ठीक है, एंड ऑल्सो ऑबिएटिंग द नीड फॉर इनवर्ड चेक प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एट वेरियस क्लियरिंग लोकेशन। अब दोस्तों देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि कॉस्ट सेविंग कैसे बैंकों को होता है, इट कंसोलिडेशन ऑफ क्लियरिंग लोकेशन इनटू फ्यू ग्रिड, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, बहुत कम ही ग्रिड्स के अंदर क्लियरिंग लोकेशन होते हैं, और जो अपना AMC एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट होता है MICR मशीन पे, MICR मशीन यानी मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन वाला मशीन जो है, जो AMC कॉस्ट होता है, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, वो भी कम हो जाता है। और दोस्तों जो हमारा इनवर्ड चेक प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है अलग अलग लोकेशन पे, वो उसका भी नीड कम हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों MICR अमाउंट इनकोडिंग रिकॉन्सिलेशन डिफरेंस को भी इसने एलिमिनेट कर लिया, ठीक है, क्योंकि MICR और इमेज डाटा एक साथ ही ट्रैवल करता है, कोई भी रिस्क नहीं है चेक लॉस्ट होने का, टेम्पर होने का, ठीक है, या कोई मैनिपुलेट करने का डाटा को ट्रांजिट के दौरान। तो ये सभी रिस्क को अवॉइड कर दिया गया। कस्टमर के लिए क्या बेनिफिट है कि क्लियरिंग साइकिल में कम समय लगता है, जो चेक कभी कभी 10 दिन लग जाता था क्लियर होने में, वो आज 2 दिन में क्लियर हो रहा है, ठीक है, और रिस्क भी कम हो रहा है लॉस होने का। मान लीजिए कि कुछ डाटा के साथ कुछ अल्ट्रेशन कर लिया, टेम्परिंग कर लिया, चेक लॉस्ट हो गया, तो ये सब का भी रिस्क कम हो जाता है। सभी के लिए विन सिचुएशन है, सभी के लिए बेनिफिशियल सिचुएशन है, ठीक है। अब जरा अप्रोच की बात करते हैं कि CTS को कैसे अप्रोच किया जाता है। तो CTS को ऑपरेट किया जाता है ग्रिड बेसिस पे, यानी कंट्री को 3 ग्रिड में डिवाइड किया गया है, एक नॉर्दर्न, वेस्टर्न और साउदर्न, ठीक है, और सबका अपना अपना क्लियरिंग हाउस है। जैसे एक CH है दिल्ली में, एक मुंबई में और एक चेन्नई में, ठीक है। तो CH जो दिल्ली में है वो नॉर्दर्न के लिए है, मुंबई वाला वेस्टर्न के लिए है, और चेन्नई वाला साउदर्न के लिए है। तो दोस्तों जितने भी सिटीज़ हैं उनके जो चेक होते हैं, या जितने भी सेंटर्स हैं उनके जो चेक होते हैं किसी भी ग्रिड में, वो रेस्पेक्टिंग क्लियरिंग हाउस को प्रेजेंट किए जाते हैं थ्रू अ सर्विस ब्रांच ऑफ द बैंक। ध्यान दीजिएगा, एक बैंक का अपना सर्विस ब्रांच होता है, उसके माध्यम से क्लियरिंग हाउस को चेक जो है दोस्तों ग्रिड के अंदर जो भी हमारे क्लियरिंग हाउस हैं, ठीक है, वहाँ पे हमें चेक देना पड़ता है। जितने भी सिटीज़ हैं एक ग्रिड में, उनके जो क्लियरिंग हाउस है उनको उसका चेक मिलता है सर्विस ब्रांच के माध्यम से। 3 तरह के पार्टिसिपेंट होते हैं। पहला होता है मेंबर बैंक, यानी उस क्लियरिंग हाउस का मेंबर बैंक। दूसरा होता है सब मेंबर बैंक, जो कि मेंबर के माध्यम से पार्टिसिपेट करता है। और तीसरा होता है इनडायरेक्ट मेंबर, जो कि पार्टिसिपेट कर सकता है डाटा सबमिशन के लिए या इमेज सबमिशन के लिए थ्रू अ मेंबर बैंक। 3 पार्टिसिपेंट क्या क्या बताया? पहला बताया मेंबर बैंक, ये मेंबर बैंक कहाँ का होता है? क्लियरिंग हाउस का मेंबर बैंक होता है। दूसरा होता है सब मेंबर बैंक, जो कि मेंबर के माध्यम से पार्टिसिपेट करता है। और तीसरा होता है दोस्तों इनडायरेक्ट मेंबर, जो कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं डाटा सबमिशन के लिए या इमेज सबमिशन के लिए मेंबर बैंक के माध्यम से, लेकिन इनका एक सेटलमेंट अकाउंट सेपरेट होगा। तो एक मेंबर बैंक होता है, एक सब मेंबर बैंक होता है, और एक इनडायरेक्ट मेंबर होता है, ठीक है। ये भी मेंबर बैंक के माध्यम से डाटा को सबमिट करते हैं, लेकिन ये सेपरेट सेटलमेंट अकाउंट को मेंटेन करते हैं। तो 3 तरह का दोस्तों आपको मैंने पार्टिसिपेंट समझाया। दोस्तों एक मेंबर बैंक होता है, एक सब मेंबर बैंक होता है, और एक इनडायरेक्ट मेंबर होता है। जो बैंक मेंबर नहीं है क्लियरिंग हाउस का, वो भी सब मेंबरशिप के माध्यम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं या इनडायरेक्ट मेंबरशिप के माध्यम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बैंक ऑफ इंडिया जो है का एक पार्टिकुलर ब्रांच मेंबर नहीं है क्लियरिंग हाउस का, एक पार्टिकुलर ग्रिड का, तो उस वो जो पार्टिकुलर बैंक है बैंक ऑफ इंडिया,
वो भी पार्टिसिपेट कर सकती है क्लियरिंग प्रोसेस में, वो इनडायरेक्ट मेंबर बन सकती है या सब मेंबर बन सकती है। बैंक को क्या करना होता है कि जो भी क्लियरिंग फाइल्स है, क्लियरिंग फाइल्स के अंदर दोस्तों चेक का स्कैंड इमेज होता है, चेक के डाटा का इमेज होता है, वो जो क्लियरिंग फाइल है, क्लियरिंग फाइल का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर जो भी डाटाज हैं उसका स्कैन चेक इमेज होगा। तो ये जो क्लियरिंग फाइल है उसको ट्रांसमिट करना पड़ता है सी एच को। सी एच क्या होती है दोस्तों? सी एच मैंने आपको बताया ना क्लियरिंग हाउस होती है, क्लियरिंग हाउस को सी एच कहा जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि कंट्री को 3 ग्रेड में डिवाइड किया गया है और सभी के पास सेपरेट क्लियरिंग हाउस है जो कि दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में लोकेटेड है, ठीक है। तो जो तीनों ग्रिड के अपने अपने क्लियरिंग हाउसेस हैं। और फिर मैंने क्या बताया कि जितने भी सिटीज़ के चेक्स हैं, ठीक है, किसी भी ग्रिड में, उनको रेस्पेक्टिव क्लियरिंग हाउस में प्रेजेंट किया जाता है सर्विस ब्रांच के माध्यम से। तो चेक पहले सर्विस ब्रांच में जाएगा, फिर सर्विस ब्रांच से कहाँ जाएगा वो जाएगा दोस्तों क्लियरिंग हाउस में, ठीक है। 3 क्लियरिंग हाउस हैं, एक है दिल्ली में, एक मुंबई में और एक चेन्नई में। अब दोस्तों इसमें बैंक को क्या करना होता है कि क्लियरिंग फाइल जो है सी एच को देना पड़ता है, क्लियरिंग हाउस इंटरफेस या सी एच आई के माध्यम से या डी एम के माध्यम से। सी एच आई का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लियरिंग हाउस इंटरफेस। डी एम का फुल फॉर्म क्या होता है? डाटा एक्सचेंज मॉड्यूल। तो बैंक को क्या करना होता है कि क्लियरिंग फाइल को ट्रांसमिट करना है, इसके अंदर चेक का इमेज रहेगा, डाटा का इमेज रहेगा, किसे? सी एच को, ठीक है, यानी सी एच यानी क्लियरिंग हाउस को। तो बैंक ट्रांसमिट करेगी डाटा को क्लियरिंग हाउस को, क्लियरिंग हाउस इंटरफेस सी एच आई के माध्यम से या डी एम के माध्यम से। पूछा जाएगा सी एच आई क्या है, तो सी एच आई का फुल फॉर्म बोलिएगा क्लियरिंग हाउस इंटरफेस। क्लियरिंग हाउस इंटरफेस से क्या होता है? तो आप बोलेंगे कि बैंक जो है अपने क्लियरिंग फाइल को ट्रांसमिट करती है सी एच को, किसके माध्यम से? सी एच आई के माध्यम से। सी एच आई के माध्यम से बैंक क्या करती है? अपने क्लियरिंग हाउस के अपने अपने फाइल की क्लियरिंग फाइल के डाटा को सी एच को प्रोवाइड करती है। डी एम क्या होता है? तो डी एम के डी एम का फुल फॉर्म है दोस्तों डाटा एक्सचेंज मॉड्यूल। क्या होता है ये? तो डीएम दोस्तों जिस माध्यम से बैंक अपने क्लियरिंग फाइल को सीएच तक पहुंचाती है उसे हम लोग डीएम कहते हैं। तो सीएचआई या डीएम एक माध्यम है जिसके द्वारा बैंक अपने क्लियरिंग फाइल को सीएच तक पहुंचाती है, यानी क्लियरिंग हाउस तक पहुंचाती है। जो भी चेक ड्रॉ किया जाएगा बैंक ब्रांच पे किसी भी ग्रिड के जरिस्डिक्शन में, उसको लोकल चेक पे क्लियर किया जाता है T+1 बेसिस पे। मतलब मान लीजिए कि संडे को से ये मंडे को आज के दिन, आज कौन सा दिन है दोस्तों? आज जो है आपका 18 फरवरी है। तो 18 फरवरी को दोस्तों मान लीजिए कि बैंक ब्रांच में चेक को ड्रॉ किया गया, ठीक है, तो उसको क्लियर किया जाएगा T+1 बेसिस पे, यानी अगले दिन क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो चेक ड्रॉन ऑन बैंक ब्रांच विद इन द ग्रिड जुरिसडिक्शन आर क्लियर्ड एज लोकल चेक ऑन T+1 बेसिस। T+1 मतलब अगले दिन, टी मतलब आज और एक दिन जोड़ दीजिए। बैंक नीड टू हैव ए स्कैनर फॉर स्कैनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड द कैप्चर सिस्टम फॉर क्लियरिंग क्रिएशन ऑफ द क्लियरिंग फाइल। देखिए दो चीज़ है, एक है स्कैनर होना चाहिए बैंक के पास ताकि इंस्ट्रूमेंट को स्कैन कर सके, यानी इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? चेक को स्कैन कर सके। और दूसरा चीज़ क्या होना चाहिए? कैप्चर सिस्टम होना चाहिए कि वो क्लियरिंग फाइल को क्रिएट करे। मैंने आपको बोला था ना क्लियरिंग फाइल भेजना पड़ता है सीएच को, तो ये क्लियरिंग फाइल के लिए क्या चाहिए? कैप्चर सिस्टम चाहिए ताकि क्लियरिंग फाइल को हम क्रिएट कर सकें, और वही हम सीएच को भेजेंगे सीएचआई या डीएम के माध्यम से। तो दो चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या? पहली ये स्कैनर और दूसरा क्लियरिंग फाइल। स्कैनर से क्या होगा? स्कैनिंग करेंगे। किसे स्कैनिंग करेंगे? इंस्ट्रूमेंट को स्कैनिंग करेंगे। फिर दूसरा चीज़ क्या बताया आपको? मैंने आपको बताया कैप्चर सिस्टम। कैप्चर सिस्टम से क्या करेंगे दोस्तों? आप क्लियरिंग फाइल क्रिएट करेंगे, फिर उस क्लियरिंग फाइल को अपने सीएच को, आपके ग्रिड के जो भी सीएच है, जो भी क्लियरिंग हाउस है, उसे भेजेंगे, ठीक है। जो भी प्रेजेंटिंग बैंक है वो चूज कर सकती है सेंट्रलाइज, डिस्ट्रीब्यूटेड या हाइब्रिड मॉडल फॉर पॉइंट ऑफ ट्रंकेशन। देखिए ट्रंकेशन करने के लिए 3 मॉडल है, सेंट्रलाइज मॉडल है, डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल है या हाइब्रिड मॉडल है। बस इस बात को ध्यान रखना है कि सिक्योरिटी किस में ज़्यादा है, एफिशिएंसीज किस में ज़्यादा है, स्केल किस में ज़्यादा है, और नेचर ऑफ ऑपरेशन क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है और ज्योग्राफी क्या है, जो कि हर एक ब्रांच पर किया जा सकता है या केवल एक ब्रांच पर किया जा सकता है, ठीक है। दोस्तों किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग कि प्रेजेंटिंग बैंक सेंट्रलाइज, डिस्ट्रीब्यूटेड या हाइब्रिड मॉडल को अडॉप्ट कर सकती है फॉर पॉइंट ऑफ ट्रंकेशन, ठीक है। ट्रंकेशन कहाँ क्या करवाया जाएगा? तो ये सभी चीज़ अभी तक हमने क्या डिसीजन किया दोस्तों? मैंने आपको CTS का अप्रोच बताया। CTS में बहुत सारे ग्रिड बेसिस पे ऑपरेट होता है। 3 ग्रिड है, वेस्टर्न, सेंट्रल, वेस्टर्न, साउदर्न और नॉर्दर्न। CH लोकेटेड होता है दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में। जो भी चेक रहते हैं सभी सिटीज़ के या सेंटर्स के एक ग्रिड के अंदर, जैसे मुंबई मान लीजिए, तो मुंबई वेस्टर्न जोन में आ गया, अहमदाबाद, सूरत या आसपास के जो भी नासिक, उज्जैन, ये सभी के जितने भी चेक्स होंगे वो कहाँ प्रेजेंट किए जाएंगे? मुंबई के चेक ग्रिड में प्रेजेंट किए जाएंगे। किसके माध्यम से? सर्विस ब्रांच के माध्यम से। इसके अंदर 3 तरह के पार्टिसिपेंट होते हैं, मेंबर बैंक ऑफ क्लियरिंग हाउस, जो क्लियरिंग हाउस है उसके मेंबर बैंक होते हैं, कुछ सब मेंबर बैंक होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट मेंबर होते हैं।
तो कोई कोई बैंक मान लीजिए क्लियरिंग हाउस का पार्ट नहीं है, लेकिन वो सब मेंबर इंडायरेक्ट मेंबर के माध्यम से पार्टिसिपेट कर सकता है इस सीएच के प्रोसेस में, सीटीएस के प्रोसेस में। और दोस्तों उसके लिए क्या करना पड़ता है कि बैंक को अपना क्लियरिंग फाइल का डाटा ट्रांसमिट करना है सीएच को सीएचआई या डीएम के माध्यम से। दोस्तों सीटीएस का प्रोसेस फ्लो के बारे में बात करते हैं। ओनली सीटीएस 2010 कंप्लेंट इंस्ट्रूमेंट कैन बी प्रेजेंटेड फॉर क्लियरिंग थ्रू सीटीएस, यानी सीटीएस से यदि आपको क्लियर करवाना है तो 2010 का कंप्लायंट इंस्ट्रूमेंट ही आप प्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रेजेंटिंग बैंक का। प्रत्येक चेक के लिए प्रेजेंटिंग बैंक या बैंक क्या करेगी, डाटा कैप्चर करेगी, MICR बैंड पे जो डाटा है उसको कैप्चर करेगी और उसका इमेज जो है कैप्चर करेगी। दो चीज़ कैप्चर करेगी, जो MICR बैंड का डाटा है वो कैप्चर करेगी और जो हमारा चेक का इमेज है वो कैप्चर करेगी, या तो ब्रांच लेवल पे कैप्चर करेगी या सर्विस ब्रांच पे कैप्चर करेगी, दो कहीं भी कर सकती है। तो प्रेजेंटिंग बैंक जिसके पास चेक आया है वो दो डाटा कैप्चर करेगी, MICR बैंड का डाटा और उस चेक का इमेज, ठीक है, ब्रांच लेवल पे या सर्विस ब्रांच लेवल पे। और दोस्तों ये जो डाटा होता है ये प्रत्येक सिटी, प्रत्येक टाउन और होल बैंक के लिए कंसोलिडेट किया जाता है, ठीक है, यानी एक सिटी के लिए जितने भी चेक्स आए हैं सभी के डाटा को कंसोलिडेट किया जाता है, ठीक है। सभी बैंक अपना अपना डाटा कलेक्ट की और फिर उसको कंसोलिडेट किया गया पूरे सिटी के लिए, पूरे टाउन के लिए और पूरे बैंक के लिए, जैसे मान लीजिए कि एक पार्टिकुलर बैंक के जितने भी चेक्स आए हैं उसके लिए, और होल फाइल को रेस्पेक्टिव CHI भेजा जाता है। रेस्पेक्टिव CHI यानी क्या हो गया, चेक क्लियरिंग क्लियरिंग हाउस इंटरफेस, ठीक है, तो CHI भेजा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले सारा डाटा कलेक्ट कर लिया एक सिटीज़ के लिए और उसको भेज दी क्लियरिंग हाउस इंटरफेस को। अब बात आती है प्रेजेंटेशन क्लियरिंग। जो क्लियरिंग हाउस होता है दोस्तों वो डाटा को प्रोसेस करेगा, सेटलमेंट फिगर पे आएगा और सारा इमेज और सारा डाटा पेइंग बैंक को भेज देगा। जो ऑब्वियसली बात है चेक में पेइंग बैंक लिखा रहेगा ना, कौन बैंक पे करेगी, तो ये जो रिस्पेक्टिव क्लियरिंग हाउस होता है वो सारा डाटा को प्रोसेस किया, सेटलमेंट फिगर पे अराइव किया और वो फिगर को प्रोवाइड कर देता है किसे, पेइंग बैंक को, इमेज को भेज देगा पेइंग बैंक को। जो पेइंग बैंक होगी जैसे उसे इमेज और डाटा रिसीव होगा क्लियरिंग हाउस से पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए, तो वो पेमेंट तुरंत कर देती है, उसी दिन कर देती है। और पेमेंट बैंक रिटर्न फाइल भी जनरेट कर देती है अनपेड इंस्ट्रूमेंट, मान लीजिए कि कोई अनपेड इंस्ट्रूमेंट है, किसी के चेक में पैसा नहीं, किसी के अकाउंट में पैसा नहीं है, तो उसके लिए रिटर्न फाइल उसी दिन जनरेट कर देती है, ठीक है। तो पेइंग बैंक जो होती है उसी दिन पेमेंट कर देती है, ठीक है, पेमेंट प्रोसेसिंग उसी दिन कर देती है। फिर बात आती है रिटर्न क्लियरिंग। तो दोस्तों जो रिटर्न फाइल है, जो डाटा है, जो कि पेइंग बैंक ने प्रोसेस करके वापस क्लियरिंग हाउस को भेजा है, ठीक है, तो दोस्तों वही चीज़ सेम वे में प्रेजेंटेशन क्लियरिंग एंड रिटर्न डाटा इज प्रोवाइडेड टू द, वही चीज़ सेम वे में क्लियरिंग हाउस क्या करती है कि प्रेजेंटेशन बैंक को दे देती है अपने प्रोसेसिंग के लिए। तो सबसे पहले आया प्रेजेंटेशन क्लियरिंग, इसमें क्या हुआ कि दोस्तों सबसे पहले आया प्रेजेंटिंग बैंक ने क्या किया, डाटा कैप्चर किया और MICR को कैप्चर किया, इमेज बनाया और भेज दिया किसे, भेज दिया दोस्तों जितने भी उस सिटी के जितने भी डाटा को कंसोलिडेट करके एक साथ मिल जाता है CHI को। CHI कौन होता है, क्लियरिंग हाउस इंटरफेस। क्लियरिंग हाउस इंटरफेस उन सभी डाटा को कंसोलिडेट करता है और फिर सेटलमेंट फिगर पे आता है और तुरंत पेइंग बैंक को भेज देता है। फिर तीसरा काम आता है पेइंग बैंक का। पेइंग बैंक क्या करेगा, इमेज रिसीव जो किया, डाटा रिसीव जो किया, उसे दोस्तों प्रोसेस करता है, उसी दिन प्रोसेस करता है और यदि मान लीजिए कहीं पेमेंट नहीं हुआ तो उसके लिए फाइल भी जनरेट कर लेता है। फिर काम आता है रिटर्न क्लियरिंग का, यानी जो रिटर्न फाइल है, जो डाटा है जो पेइंग बैंक ने भेजा है, वो क्लियरिंग हाउस प्रोसेस करता है रिटर्न क्लियरिंग सिस्टम में और प्रेजेंट और फिर से भेज देता है किसे, प्रेजेंटिंग बैंक को प्रोसेसिंग के लिए। जो रिटर्न साइकिल होता है दोस्तों वो अगले दिन कंप्लीट होता है, यानी प्रेजेंट मान लीजिए आज हो रहा है तो रिटर्न साइकिल अगले दिन कंप्लीट होगा। रिटर्न साइकिल समझ में आया ना, रिटर्न साइकिल का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो भी रिटर्निंग मिला है, जो भी पेइंग बैंक ने रिटर्न किया है, चाहे वो फाइल हो चाहे डाटा हो, ठीक है, उसको क्लियरिंग हाउस प्रोसेस करता है रिटर्न क्लियरिंग सेशन में। और रिटर्न क्लियरिंग सेशन में दोस्तों ये अगले दिन होता है, इसीलिए T+1 डेज लिखा हुआ है। और उसके बाद आता है सेटलमेंट का। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं बेस्ड ऑन ऑल द इंस्ट्रूमेंट दैट हैव बीन एक्सेप्टेड क्लियरिंग हाउस के दौरान, इस सेशन रिटर्निंग फाइल सेशन के दौरान जितने भी इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट किया गया है उसके बेसिस पे क्लियरिंग हाउस नेट सेटलमेंट आता है पोजीशन फॉर ईच बैंक, यानी हर एक बैंक का जो नेट सेटलमेंट पोजीशन है उस पे डिसाइड करता है। जैसे क्लियरिंग विंडो क्लोज होगा फिर बताता है कि इस बैंक का नेट सेटलमेंट पोजीशन क्या है। फिर बात आती है क्लियरिंग साइकिल की। तो देर इज़ वन प्रेजेंटेशन क्लियरिंग सेशन एंड वन कॉरस्पॉन्डिंग रिटर्न क्लियरिंग सेशन पर डे फॉर CTS इंस्ट्रूमेंट, यानी एक CTS के इंस्ट्रूमेंट के लिए, चेक ट्रंकेशन इंस्ट्रूमेंट के लिए एक दिन में एक प्रेजेंटेशन क्लियरिंग सेशन होगा यानी प्रेजेंट किया जाएगा और एक रिटर्न क्लियरिंग सेशन होगा यानी रिटर्न होगा, ठीक है। तो एक दिन में एक ही प्रेजेंटेशन क्लियरिंग सेशन होता है और एक ही रिटर्न क्लियरिंग सेशन होता है, प्लीज़ रिमेंबर दोस्तों। उसके बाद आता है सिक्योरिटी फीचर का।
तो ये इंश्योर करना कि सिक्योरिटी इंश्योर करना, सेफ्टी इंश्योर करना और डाटा के नॉन रेपिटेशन को इंश्योर करना, एंड टू एंड की इंफ्रास्ट्रक्चर PKI पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, याद रखिएगा फुल फॉर्म, ये इंप्लीमेंट किया है CTS ने। तो CTS ने क्या इंश्योर किया है सिक्योरिटी मेजर को बढ़ाने के लिए, PKI क्या होता है, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, फिर बात आती है दोस्तों इंडोर्समेंट की। स्कैनिंग के समय में एक सिंगल लाइन इंडोर्समेंट प्रिंट किया जाता है हर एक इंस्ट्रूमेंट के पीछे, जो कि यूनिक आइडेंटिफायर होता है उस इंस्ट्रूमेंट का। तो इंडोर्समेंट कहाँ किया जाता है दोस्तों, इंडोर्समेंट किया जाता है उस जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है उसके पीछे इंडोर्समेंट किया जाता है, और वो जो इंडोर्समेंट होता है सिंगल लाइन वा सिंगल लाइन का, वो एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है उस इंस्ट्रूमेंट के लिए। जो ये जो प्रोविज़न है URR BCH दोस्तों, ये चेक से रिलेटेड है, चेक क्लियरिंग से रिलेटेड है। इसका प्रोविजन प्रोवाइड करता है कि क्लियरिंग स्टाम्प जो है, क्लियरिंग स्टाम्प इज कंसिडर्ड एज कलेक्टिंग बैंक कन्फर्मेशन ऑफ ऑल द प्रीवियस इंडोर्समेंट। यानी दोस्तों यदि स्टाम्प लगा हुआ है इंस्ट्रूमेंट पे, तो ये इंडोर्समेंट है किसका, कलेक्टिंग बैंक का, ये कन्फर्मेशन है कलेक्टिंग बैंक का कि सारे प्रीवियस इंडोर्समेंट का। बाकी दोस्तों इस लेक्चर का सेकेंड पार्ट मैं अपने पेड मेंबर को प्रोवाइड करूँगा। अब हम लोग क्विकली रिकॉल करते हैं जो भी पॉइंट हमने आज सीखा, रिकॉल करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, जो भी पॉइंट हम सीख रहे हैं उसको रिकॉल करें। मैं हर एक वीडियो में आपको रिकॉल करवाता हूँ, लेसन के शुरुआत में और लेसन के अंत में, ताकि आप चीज़ों को क्विकली रिवाइज कर पाएँ। लेसन का क्या बेनिफिट होगा तभी आप ले पाएंगे जो आप रिकॉल करें। चलिए रिकॉल करते हैं। चलिए दोस्तों मैंने आपको क्या क्या समझाया, अभी मैंने आपको ये बताया कि दोस्तों कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो अपने प्रोडक्ट को जो कस्टमर को बोलते हैं कि आप ATM में जाके पैसा जमा करो, हम नहीं लेंगे। लेकिन दोस्तों ये जो बैंक का बेसिक प्रिंसिपल है कि एक्सेप्टेंट डिपॉजिट, उसको ये रूल आउट कर रहा है। स्पीड क्लियरिंग दोस्तों CBS को यूटिलाइज करता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों CTS के बारे में बताया, RBI ने CTS को इंड्यूस किया था दो बैंक के बीच में चेक क्लियरेंस के लिए। ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1 फरवरी 2008 को। CTS का कंसेप्ट बताया आपको कि CTS में दोस्तों एक चेक का इलेक्ट्रॉनिक इमेज लिया जाता है जो कि पेइंग ब्रांच को ट्रांसमिट किया जाता है क्लियरिंग हाउस के माध्यम से। कैरेक्टरिस्टिक बताया, इलेक्ट्रॉनिक इमेज होता है, जो भी बैंक इन्वॉल्व है क्लियरिंग हाउस में वही ट्रंकेट कर सकती है चेक को, कोई भी ड्रॉअर या होल्डर उसे ट्रंकेट नहीं कर सकता। जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज होता है उसमें कोई जरूरी नहीं है आपको फिजिकल मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर लेता, फिजिकल मूवमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है चेक की। ट्रंकेशन दोस्तों क्लियरिंग साइकिल के कोर्स के दौरान ही किया जाता है ताकि टाइम टेकन कम हो जाए। जो पेपर चेक होता है वो बैंक की कस्टडी में रहता है, ठीक है, कलेक्टिंग बैंक की कस्टडी में रहता है। CTS का बेनिफिट बताया कि CTS रिस्क कम करता है कस्टमर के लिए, क्या करता है क्लियरिंग साइकिल कम करता है और लॉस के रिस्क को घटा देता है। बैंक के लिए क्या करता है दोस्तों, जो AMC कॉस्ट है MICR मशीन पे उसका कॉस्ट घटा देता है। उसके बाद दोस्तों क्लियरिंग हाउस जो है बहुत सारे ग्रिड्स में लोकेटेड होते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है इन्वेस्टमेंट भी कम लगता है, ये सब इसका फायदा है। टेम्परिंग का रिस्क, लॉस होने का रिस्क, ये सभी कम हो जाता है बैंकों के लिए, तो सबके लिए विनविन सिचुएशन है। अप्रोचेज बताया दोस्तों, अप्रोचेज में बताया आपको CTS जो है ऑपरेट होता है ग्रिड सिस्टम के बेसिस पे। कंट्री को 3 ग्रिड में डिवाइड किया गया है, वेस्टर्न, नॉर्दर्न और साउदर्न। सभी का सेपरेट क्लियरिंग हाउस है दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में। जो चेक रहता है सभी सिटीज़ का, वो एक ग्रिड के अंदर उसको रिस्पेक्टिव क्लियरिंग हाउस से प्रेजेंट किया जाता है सर्विस ब्रांच के माध्यम से। 3 तरह के पार्टिसिपेंट होते हैं, मेंबर बैंक, सब मेंबर बैंक और इंडायरेक्ट मेंबर्स। दोस्तों जो बैंक क्लियरिंग हाउस के मेंबर नहीं भी हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं सब मेंबर या इंडायरेक्ट मेंबर के माध्यम से। मैंने आपको बताया कि बैंक जो है क्लियरिंग फाइल को ट्रांसमिट करता है चेक क्लियरिंग हाउस को, ठीक है, कैसे ट्रांसमिट करता है CHI के माध्यम से। CHI क्या होता है, चेक क्लियरिंग इंटरफेस होता है। DEM क्या होता है, डाटा इंटरफेस मॉड्यूल होता है। तो DEM और CHI के माध्यम से बैंक क्या करती है, क्लियरिंग फाइल को ट्रांसमिट करती है क्लियरिंग हाउस के लिए। चेक को ड्रॉ किया जाता है T+1 बेस पे। दोस्तों जो जो पॉइंट है सब इंपॉर्टेंट है, सबसे क्वेश्चन बन सकता है। तो चेक को जो ड्रॉ किया जाता है लोकल ब्रांच में वो क्लियर होता है लोकल चेक में T+1 बेसिस पे। उसके बाद बैंक के पास स्कैनर होता है ताकि वो इंस्ट्रूमेंट को स्कैन कर सके, और एक कैप्चर सिस्टम होता है ताकि फाइल बना सके, उसे क्लियरिंग फाइल कहते हैं। CTS का प्रोसेस मैंने आपको बताया। प्रेजेंटिंग बैंक क्या करती है कि जितने भी CTS 2010 कंप्लायंट इंस्ट्रूमेंट है वही प्रेजेंट किया जा सकता है क्लियरिंग के लिए। उसके बाद प्रेजेंटिंग बैंक क्या करती है, प्रत्येक चेक का डाटा कैप्चर करती है, इमेज बनाती है और उसको ब्रांच लेवल पे या सर्विस ब्रांच पे करती है। जो पूरा सिटी का, जो पूरे टाउन का, जो पूरे बैंक का डाटा है कंसोलिडेट किया जाता है और फिर CHI को भेजा जाता है। फिर प्रेजेंटेशन क्लियरिंग होता है, क्लियरिंग हाउस डाटा को प्रोसेस करेगी, सेटलमेंट फिगर पे आएगी और फिर पेइंग बैंक को भेज देती है डाटा। पेइंग बैंक जहाँ लगेगा वो इमेज को रिसीव करता है और फिर पेमेंट प्रोसेसिंग करता है। जिस जिस में लगता है पेमेंट नहीं है तो उसको वो रिटर्न कर देता है। रिटर्निंग के लिए दो, एक होता है प्रेजेंटेशन क्लियरिंग और एक होता है रिटर्न क्लियरिंग। जो रिटर्न क्लियरिंग होता है दोस्तों, जो पेइंग बैंक ने वापस भेजा वो क्लियरिंग हाउस द्वारा प्रोसेस करती है रिटर्न में, और जैसे और फिर उसी तरह दोस्तों रिटर्न डाटा को प्रेजेंटिंग बैंक को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये एक होता है रिटर्न साइकिल और एक होता है हमारा प्रेजेंटेशन क्लियरिंग और रिटर्न क्लियरिंग। तो रिटर्न क्लियरिंग जो होता है, रिटर्न साइकिल जो होता है वो अगले दिन प्रेजेंटेशन के अगले दिन कंप्लीट होता है। सेटलमेंट दोस्तों सारे इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे
उसके बाद क्लियरिंग साइकिल में एक प्रेजेंटेशन क्लियरिंग सेशन होता है, एक रिटर्न क्लियरिंग सेशन होता है पर डे। यानी मतलब एक CTS इंस्ट्रूमेंट के लिए एक दिन में एक प्रेजेंटेशन साइकिल और एक रिटर्न साइकिल होता है। रिटर्न साइकिल पिछले दिन का प्रेजेंटेशन वाला होता है। फिर सिक्योरिटी फीचर के लिए दोस्तों PKI इंप्लीमेंट किया गया। PKI क्या होता है? पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इंडोर्समेंट, यानी सभी बैंक को इंडोर्समेंट करना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट के बैक में, ठीक है, जो कि यूनिक आइडेंटिफायर होता है इंस्ट्रूमेंट का। फिर दोस्तों CTS जो है बैंक कस्टमर के लिए अलग अलग है, ये सब हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो यदि आप इस तरह के वीडियोज़ चाहते हैं जिसमें सारा कंसेप्ट को समझाया जाए, रिविजन करवाया जाए लेसन के शुरुआत में, तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करें इस नंबर पर, तो आपको मैं PDF और वीडियोज़ प्रोवाइड कर पाऊँगा। धन्यवाद।